सो गाइस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस सर्कल सीरीज. ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं. ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, इसको मजाक में मत लो. एग्जाम का ही क्वेश्चन मैं देता हूँ. ठीक है, तो अभी तक आपने पिछले वीडियोस में जो कॉन्सेप्ट बताए हो कि 2πr, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. अगर आप नहीं देखे हो तो बताओ कि 2πr का वैल्यू 2πr क्यों होता है और πr² क्यों हम लोग लिखते हैं. ठीक है, पाई का वैल्यू कहाँ से आता है, क्या आपको ये सब पता है? नहीं पता हो. अगर नहीं पता है तो आप लोग जाकर वो वाली मेन वीडियोस देखो जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताया, फिर ये सब क्वेश्चंस आपके लिए कुछ नहीं होंगे. ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं कि द एरिया ऑफ रिंग बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल. कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, जिसका सेंटर एक हो. कौन कौन का मतलब टुगेदर, वन टुगेदर, सेंट्रिक मतलब सेंटर. ऐसे इंग्लिश का ये तो हो गया वो क्या. तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या होता है, जिसका सेंटर एक हो. ठीक है, सो हुज सरकमफेरेंस आर, देखो दो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr. 2πr मतलब होता है सरकमफेरेंस. क्या क्यों होता है, कोई बता सकता है कि 2πr फॉर्मूला क्यों होता है सरकमफेरेंस का? चलो तो 2πr मान लो कि जो छोटा वाला सर्कल है, ये छोटा वाला सर्कल, इसका जो सरकमफेरेंस है ये 88 है. ठीक है, और जो बड़ा वाला सर्कल है 2πr, इसका जो सरकमफेरेंस है वो क्या है, 132 है. मान लो क्या है ही? क्वेश्चन के आंसर दिया हुआ, क्या पूछ रहा है आपसे कि द एरिया बिटवीन देम, द एरिया ऑफ रिंग बिटवीन टू. ठीक है, इसका एरिया निकालना. अगर हमें आर मालूम चल जाए, आर का वैल्यू, तो क्या हम एरिया निकाल सकते हैं? जी हाँ, निकाल सकते हैं. आर अगर मालूम चल जाए तो हम एरिया निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं? ये बड़ा वाला आर होगा, क्योंकि इसका आर और इसका आर में अंतर होगा, तो ये बड़ा वाला आर है. तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 22 से 4 बार में कट जाएगा और 2/7 हो जाएगा आर. यहाँ से 2 से भी ये 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे 7r = 1 एंड r = 7 हो जाएगा. ठीक है, पहले केस में. दूसरे केस में देखूँ मैं तो 22/7 हो जाएगा यहाँ पे, और r यहाँ पे हो जाएगा 132. ठीक है, तो अगर आप 11 से इसको 2 बार कटा दोगे, 11 से ये भी कट जाना चाहिए, 11 एक बार और ये 2 बार. ठीक, बहुत बढ़िया. यहाँ से 2 से कटा देंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा. ठीक है, और ये 2 से कटा देंगे तो 3 बार में, यानी कि r का वैल्यू दूसरे केस में 21 आएगा. ठीक है, तो पहला r निकल गया, ये छोटा वाला का r 7 है और बड़ा वाला का r क्या है, 21 है. ठीक है, तो ये सब हटा देता हूँ मैं. अब मैं करूँगा नहीं, आप लोग करना है. कैसे करना है, क्या क्या होता है कि इसके बीच का डिफरेंस निकालना. अगर इस बड़े वाले सर्कल में से इस छोटे वाले को निकाल दें तो ये बीच की निकल जाएगा, यानी कि इस बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या होगा, πr² πr² क्यों होता है, πr² किसी भी सर्कल का एरिया क्या होता है, πr - ये बड़ा वाला है तो r लिख देता हूँ, πr². ठीक है, यहाँ पे अगर पाई कॉमन ले लूँ मैं तो r² - r² यहाँ पे आप क्या सॉल्व करोगे, अगर आप बहुत ज्ञानी हो, 21 और ये कितना था, छोटा वाला कितना था यार, 7 7 था क्या, भूल गया मैं. तो 22/7 × 2 r = 88, तो ये 4 बार में कट जाएगा, ये 2 14 r = 14 था. शायद मैं कुछ और निकाला था क्या, 7 निकाला था क्या, आई थिंक 7 निकाला था, वो गलत है, माफ़ कर देना है, कुछ गलत से काट दिया था. तो अगर आपको मालूम होगा तो स्क्वायर के आप लेजेंड हो, तो आपको ये मालूम होगा कि इसका स्क्वायर तो 441 होता है. लेकिन मैं एक और तरीका बताऊँ, यहाँ पे देखो a² - b² का कॉन्सेप्ट है, a+b a-b कर सकते हो इजिली अगर आप, लेकिन अगर जानते हो तो 14 का जो 15 होता है उसका होता है 225, आई थिंक इसका 196 होता है स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर से आप जरूर याद करो, बहुत मदद मिलती है, और यहाँ पे पाई, तो ऐसा करके आंसर आ जाएगा, आप लोग कर लेना आगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में.